देखिए का का अंतर होता है। एक तरफ आप दूरी लिख सकते हैं, एक तरफ आप विस्थापन लिख सकते हैं। अच्छा क्या आपको याद है का दूरी में सबसे पहला सिंपल से बात होती है कि जो दूरी का मान होता है ये कभी जीरो नहीं हो सकता, विस्थापन का होता है जीरो। सिंपल सी बात है, लिख डालो इसको, दूरी शून्य नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, और विस्थापन शून्य हो सकता है, हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है, याद करो सारा चीज। ओके चलो, तो दूरी विस्थापन तनिक ऐसा कहना देखना, दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि, इसको भी लिख डालो, दूरी एक अदिश राशि और यहाँ पर लिख सकते हैं विस्थापन एक सदिश राशि, क्या कोई दिक्कत। अच्छा मुझे बताओ और दूरी में क्या लिख सकते हैं, दूरी दूरी में केवल परिमाण पाया जाता है, दिशा नहीं पाया जाता है, दूरी में केवल परिमाण पाया जाता है, विस्थापन नहीं पाया जाता। और तीसरा इसमें लिख सकते हैं कि इसमें दूर है परिमाण, सॉरी यहाँ पर तीसरा लिख रहा, इसमें परिमाण और दिशा दोनों पाए जाते हैं। ये तो मालूम अंतर हो गया, अगर मैं कहूँ कि समानता बताओ तो समानता का कहोगे, मात्रक मीटर होता है, समानता लिख लेना, माने दूरी और विस्थापन में क्या समानता है, पहला दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक मीटर होता तथा बीमा यल होता है। चलिए कुछ बात समझे कि नहीं समझे, सिंपल सी बात है कि दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। कब शून्य होगा, जहाँ से चले तहाँ आप चले आए, दूरी एक अदिश राशि होती है और विस्थापन एक सदिश राशि होती है। जब यह अदिश होगा तो इसमें केवल क्या पाया जाता है, परिमाण पाया जाता है, दिशा नहीं पाई जाती, जबकि वो जो होता है उसमें परिमाण और दिशा दोनों का होता है। समानता जरूर याद रखना, कहीं कहीं कोई पूछ जाता है कि बताइए दूरी और जो विस्थापन होती है इसमें क्या समानता होती है, तो दोनों कह सकते हैं कि दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक मीटर, एम के एस में तो मीटर होता है और सी जी एस में क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, लेकिन बीमा क्या होता है, बीमा में यह लेता है दोनों के लिए। अच्छा देखो, बीमा चाहे एम के एस में लिखो, चाहे सी जी एस में लिखो, चाहे एफ पी एस में लिखो, अच्छा एफ पी एस में दूरी का मात्रक क्या लिखते हैं, फुट, विस्थापन का मात्रक फुट, तो बायोलॉजी भी कर रहे हैं, फिजिक्स भी आज करते हैं फुट, इतना हम लोग पढ़े, ठीक है चलो।